चीन देश में उपजने वाली मशरूम गया के बिहरों और पहाड़ की तलटियों में पाया गया है। इस मशरूम की प्रति किलोग्राम 3,000 से 7,000 रुपये कीमत है। इस मशरूम से आयुर्वर्धक दवाइयां बनाई जाती है। गया में इस मशरूम का खोज मगध विश्वविद्यालय के शोध के छात्र मोहम्मद दानिश मंसूर ने किया है। सर, ये गैनोडर्मा ल्यूसिडम नाम का एक रेशी मशरूम है जो आयुर्वर्धक दवाओं को बनाने में काम आता है। इसे किंग ऑफ हर्ब्स भी कहते हैं और यह बहुत कीमती मशरूम है। इसकी क्वालिटी के अनुपात में यह 3,000 से 7,000 रुपये किलो तक भी बिकता है और हमारे गया के वातावरण में यह कई जगहों पर, बहुत सारे जगहों पर उग रहा है और नेचुरली उग रहा है। यह बहुत ही महंगा मशरूम है और अगर इसकी खेती यहाँ की जाए तो बहुत अच्छा रोज़गार का साधन बन सकता है, क्योंकि मैंने इसे कई जगह पर प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखा है। इससे यह अनुमान होता है कि इसका यहाँ पर इसके अनुकूल वातावरण है और इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती भी वैसे ही की जाती है जैसे ही आम मशरूम, बटन मशरूम वगैरह की खेती की जाती है। पॉली बैग में खेती करना बहुत ही आरामदायक है और इसकी खेती देख सकते हैं चाइना वगैरह में बहुत ज़्यादा ऊंचे तौर पर की जाती है, क्योंकि ये बहुत लाभदायक और बहुत महंगा बिकने वाला मशरूम है। गैनोडर्मा को सबसे पहले हमने देखा था बराबर हिल्स में, उसको पहचान करने में थोड़ा वक्त लग गया। फिर अभी पिछले 2 दिन का हम लोगों ने नेचर वॉक किया था बराबर हिल्स में डॉक्टर जकिया मसरूर की अध्यक्षता में, तो फिर हमने वहाँ कई जगहों पर इसको पाया। यानी उससे यह संकेत मिलते हैं कि उस इलाके में अगर इस खेती की जाए तो वहाँ के ग्रामीणों को रोज़गार का साधन मिल सकता है और अधिक कीमत में बिकने के वजह से उन्हें अधिक मुनाफा हो सकता है। बता दें, गया जिले में ठंड के मौसम में भारी संख्या में मशरूम की खेती की जाती है। ऐसे में गया जिले में इतनी महंगी मशरूम खुद से उपज रहा है, यह इस बात की पुष्टि कर रहा है कि महंगी मशरूम गया में भी हो सकता है। अगर सरकार इस मशरूम की खेती से लोगों को जोड़े तो लोगों की बेरोजगारी ही नहीं, उसकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। गया से ईटीवी भारत के लिए सुजीत पांडे की रिपोर्ट।